अभी नौकरी करने का ज्यादा मुझे जरूरत है, तो इस टाइम हमें कहा जा रहा है कि तुम्हें मार्च में निकाल दिया जाएगा। आम पब्लिक की सुरक्षा हम करें, हमारी नौकरी की खुद की सुरक्षा नहीं है। या तो नौकरी कर ले या हम अपने बच्चे पाल ले। मैडम रेडी पटरी लगा लेते तो 15 साल की सेवा क्यों करते हो? हम घाट महकमे के अंदर सर्दी जा रहा है, गर्मी बरसात में नौकरी करी है यहाँ पर हमने, दिक्कत है ऐसी उस पर सरकार पे। और ये एलजी और केजरीवाल दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने ठान लिया कि 8.5 यार होमगार्ड उनकी फैमिली को भूखा मरने के लिए रोड पे छोड़ना है और नई भर्ती 2-2 लाख रुपए भर्ती करके अपनी तिजोरियां भरनी है। सरकार तो बेरोजगारी बढ़ा रही है ना इससे करके। वो कहते हैं मोदी सरकार है ना पक्की गारंटी, भाई होमगार्ड जवानों को गारंटी आज तक क्यों नहीं दी? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग आए हैं जो 31 तारीख को बेरोजगार होने वाले हैं एक ही झटके में। इन्हीं से जान लेते हैं पूरी समस्या क्या क्या बात हो गई, क्यों, किस बात को लेकर आप यहाँ पे आए, क्या समस्या है? हमारा धरना प्रदर्शन का मेन मकसद ये है कि आप हमें 31 तारीख 2024 को निकाल रहे हो, जो कि हमें नहीं निकाला जाना चाहिए। जब हमारे पहले भी 1 साल 2 साल के लिए एक्सटेंशन हो चुके हैं, तो जो लड़के हमारे या जो हमारे जवान है, क्या नाम है, 12 साल 14 साल या 15 साल की उन्होंने सर्विस दे रखी है, उन्होंने आपको पहले भी आपने उन्हें 5 साल के बाद एक्सटेंशन दिया है 2 साल का 1 साल का, तो आप इसे कंटिन्यू 60 साल तक करें एक्सटेंशन। अब मान लो आप क्या कर रहे हो कि एक की थाली से रोटी निकाली और दूसरे की थाली में दे दी, उन्होंने ये करा हमारे डिपार्टमेंट वालों ने, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो हमारे एलजी साहब हो। तो हमारा कहने का ये मकसद है कि अगर आपको और भी वैकेंसी निकालनी है, आप चाहते हो कि हमारे राज्य के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, तो जो हमने एक्सटेंशन प्रपोजल दे रखा है पहले भी सरकार को, क्या ना 17,000 का एक्सटेंशन प्रपोजल दे रखा है, तो आप 17,000 हमारी स्ट्रेंथ कीजिए ना, आप हमें भी लीजिए और क्या नाम है आने वाले जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको भी रोजगार दीजिए। तो हम यही चाहते हैं दिल्ली सरकार से और एलजी साहब से कि हमें 60 साल तक किया जाए, और जैसे ही हमारा पहले रिन्यूअल किया गया, हम कोई पक्का होने की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमारा एक्सटेंशन बढ़ाते रहिए। अब मान लो जब हमारी उम्र 45 साल 50 साल या 55 साल की हो गई है, अब आप हमें निकाल रहे हो, या हमारे डीजी साहब ये कह रहे हैं कि आप रेडी लगा लो पटरी लगा लो, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको रेडी पटरी लगाने के लिए हमारे डीजी साहब ने ये तक बोल दिया कि आप रेडी लगा लो पटरी लगा लो। आप निकम्मा डीजी है, हमारे डिपार्टमेंट का सबसे निकम्मा डीजी, जो अपने जवान की कोई भी मजबूरी परेशानी नहीं जानता, ना उनकी फैमिली के ना उनके बच्चों के बारे में। ऐसे डीजी हमसे कहता है नौकरी छोड़ो, छोले कुलचे बेचो, आलू बेचो, सब्जी बेचो, ऐसे डीजी किस काम का? हमारा 15 साल सर्विस, आपने उनसे पूछा जी को दिक्कत है ऐसे डीजी को लिए? मोदी ने आपने उनसे ये सवाल किया कि रेड़ी पटरी लगाने के लिए बाजार और स्थान कौन देगा? मैडम रेड़ी पटरी लगा लेते तो 15 साल की सेवा क्यों करते हो? हम घाट महकमे के अंदर सर्दी जा रहा है, गर्मी बरसात में नौकरी करी है यहाँ पर हमने, दिक्कत है ऐसी उस पर सरकार पे। और ये एलजी और केजरीवाल दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने ठान लिया कि 8.5 यार होमगार्ड उनकी फैमिली को भूखा मरने के लिए रोड पे छोड़ना है और नई भर्ती 2-2 लाख रुपए भर्ती करके अपनी तिजोरियां भरनी है। रेड़ी पटरी लगाने की बात तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं वो भी रोजगार है। अगर वो ये कहते हैं कि क्या नाम है रेड़ी पटरी लगाने से रोजगार हमारा खत्म, मतलब क्या नाम है हमें बेरोजगारी हमारी खत्म हो जाएगी, तो हम चाहते हैं कि वो भी आए हमारे साथ और रेड़ी पटरी लगाएं, बिल्कुल। और हमारे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो दिल्ली सरकार में बैठे हुए हैं या एलजी साहब हैं, अगर उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये होमगार्ड क्या नाम है बेरोजगार नहीं होंगे, रेड़ी पटरी लगा के अपना रोजगार चला लेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो भी एक बार क्या नाम है हमारे साथ, ज्यादा नहीं सिर्फ 2 दिन ही रेड़ी पटरी लगा के देखे, तो उन्हें पता लग जाएगा कि रेड़ी पटरी कैसे लगाई जाती है। बच्चे की मासूम शक्ल को देखिएगा, क्या गारंटी है कि 31 मार्च के बाद इस बच्चे के लिए हमें 2 वक्त की रोटी, इसके लिए दूध कमाने के लिए हमें बाहर रोड पे कोई नौकरी देगा भी नहीं देगा, ये तो हमें बेरोजगार कर देंगे, हम इसके लिए कहाँ से लाएंगे भोजन? मेरा नाम पूजा है, मैं 15 साल से होमगार्ड में नौकरी कर रही हूँ। दिल्ली का कोई कोना नहीं होगा जहाँ हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, हर 3 महीने में हर थाने में नौकरी करे है। अभी मेरा बेटा 1 साल का है, अभी इसकी परवरिश है, इसका पढ़ाई लिखाई, इसका खर्चा है, अभी नौकरी करने का ज्यादा मुझे जरूरत है, तो इस टाइम हमें कहा जा रहा है कि तुम्हें मार्च में निकाल दिया जाएगा। हर बार फिजिकल दे के इस डिपार्टमेंट में रुके हुए हैं, और अब एक बात बताओ, कह रहे नहीं भर्ती करो, नया फार्म भरो। अब 35 साल की उम्र में हम दोबारा फार्म भरेंगे, दोबारा फिजिकल देंगे, दोबारा पढ़ाई होगी, ये सब हमारे सब अब तो कहाँ से हो पाएगा? अभी हम राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी दे रहे हैं, 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक आप राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी दो। राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी देते ही अपने घर बैठ जाओ, हमारी नौकरी छूट जाएगी। आम पब्लिक की सुरक्षा हम करें, हमारी नौकरी की खुद की सुरक्षा नहीं है।
इतने छोटे छोटे बच्चे को लेके मैं हर जगह जाती हूँ नौकरी करने, कभी थाने में, अभी ऑन ड्यूटी गिटोरनी थाने में मेट्रो में हूँ, ये भी मेरे साथ ड्यूटी कर रहा है आज 8-9 महीने से, 2 महीने का था तब से मैं इसको लेके जाती हूँ। इनको लेकर आप ड्यूटी कहाँ जाऊंगी जब मेरा ससुराल राजस्थान में, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ हस्बैंड के साथ, वो प्राइवेट ड्राइवर है मेरे हस्बैंड, कहाँ जाएंगे बच्चे को, क्या घर में ताला लगाऊंगी, इसके वजह से मुझे इतनी दूर ट्रांसफर लेना पड़ा है। क्या कहेंगे, रातों रात बेरोजगार कर दिया जा रहा है, 6 महीने की कहते हैं कि बच्चों को प्रेगनेंसी में 6 महीने की छूट मिलती है, यहाँ 1 दिन की भी छूट नहीं मिली, नौकरी बंद कर दी गई, 2-3 महीने तक सैलरी नहीं आई, फिर मजबूरी में ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ा हमें। इतना कुछ हुआ आपके साथ? हमें तो कोई मेडिकल रेस्ट नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चा हो ड्यूटी बंद कर दो, 9 महीने की प्रेगनेंसी में ड्यूटी बंद, प्रेगनेंसी लीव नहीं, कोई रिलीव नहीं, बच्चे होने के बाद रिलीव नहीं मिलता, गलत है ये तो, और मजबूरी है जब भी तो इसको लेने की, नौकरी कर रहे हैं, अगर पैसे होते तो घर में बैठते, देखो 15 साल नौकरी करने के बाद अब मैं कोई घर में जाके बर्तन तो नहीं माजूंगी, डैडी कहाँ लगाएंगे, रिकॉर्ड में काम किया, मेडिकल में, माल खाने में काम किया, पढ़ाई लिखाई करके, अब हमें 15 साल बाद कौन नौकरी देगा, 15 साल नौकरी करके वो अधिकारी अगर रेडी पटरी लगाने के इच्छुक है लगा सकते हैं वो, हमने 15 साल नौकरी करी इस महकमे को दी है, रेडी पटरी की बात करें खुद ही क्यों ना लगा लेते, क्यों ना लगा लेते, बेरोजगारी का एहसास तो होना चाहिए, क्या होता है बेरोजगारी, वर्दी पहनने का, दिल्ली पुलिस भी वर्दी पहनते हैं, दिल्ली पुलिस को कहाँ रेडी पटरी लगवाया जा रहा है, वो तो केंद्र के पास है, वो कहते कि दिल्ली पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, केजरीवाल होमगार्ड तो उनके हाथ में, होमगार्ड पूरे डिपार्टमेंट को वही से चला रहे, सिविल डिफेंस को केजरीवाल चला रहे, तो होमगार्ड को तो संभाल के रखे, 8,000-10,000 कुछ भर्ती ले रहे हैं और 8,500 निकाल रहे हैं, तरीका तो ये कहा जाता है कि 8,500 को आप रखो, 2,000-2,500-10,000 तुम्हें जितनी चाहिए उतनी नई भर्ती ले लो, पुराने को निकालने का क्या मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि जो आप अपनी स्ट्रेंथ है जितनी चाहो उतनी बढ़वा लो, चाहे 1 लाख करवा लो, लेकिन हमें तो बेरोजगार मत करो कम से कम, सरकार तो बेरोजगारी बढ़ा रही है ना इससे करके, जो लोग काम कर रहे हैं ताकि अब हमें बोल देंगे रेडी पटरी लगाओ, फिर 3 साल बाद उनको बोल देंगे रेडी पटरी लगाओ, हमारा ही जवान है, इसको ये देखिए दिल्ली पुलिस के द्वारा फोकस कीजिएगा प्लीज, हाँ। ये देखिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए जाता है रिवार्ड के तौर पर, ये देखिए आपको कमीशन कार्ड है 8,600 का, ठीक है 500 का रिवार्ड भी मिलता है इसको, ये जब भी मिलता है किसी भी जवान को जो उस पीरियड में मिलता है जब वो एक्सीलेंट वर्क करता है, और ऐसे मेरे कैसे नौजवान भाई मौजूद हैं यहाँ पर हमारे अपने डिपार्टमेंट के, जिनको अभी राष्ट्रपति मेडल भी मिला है, 2 महीने के बाद उसकी सर्विस जा रही है। तस्वीर है ये किरण वेदी के साथ, कब की है? मैडम एक्चुअली मेरा नाम अजय कुमार है, मैं सिंस 2006 में भर्ती हुआ था दिल्ली होमगार्ड में, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ दिल्ली होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस की फर्स्ट आईपीएस डॉक्टर किरण वेदी थी, उसने मेरे के रियली मेरी अप्रिसिएशन की, मेरे पास उसके बाद फर्स्ट आईपीएस असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और आपका डिप्टी पुलिस कमिश्नर के रिवार्ड भी है और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी है मेरे, आई एम कैरिंग द कार्ड एज वेल, तो मेरे को इस संस्था में 3 साल और लगभग 14 साल 17 ईयर्स हो चुके हैं मुझे, और ये अगर मैं एलिजिबल नहीं होता, अब ये कहते हैं आप एलिजिबल नहीं हैं, इफ़ नॉट एलिजिबल देन दिल्ली पुलिस इज क्यों, व्हाई दे आर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ लेटर, अप्रिसिएशन लेटर। तो ये साफ बता रहे हैं कि कैसे योग्य लोगों को भी निकाला जा रहा है। आज हमारे को 2009 से 2011 वाले 12 के जो बंदे थे वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, मैडम कंटिन्यू ड्यूटी करते आ रहे हैं, आज जिनकी एज 50 साल 52 साल, ये देखिए इनकी एज है, इस एज में कौन नौकरी देगा, क्या सिक्योरिटी गार्ड की कोई नौकरी दे देगा इनको, ये बच्चे अपने घर का कैसे घर का खर्च कर घर चला पाएंगे। वो कहते हैं मोदी सरकार है ना पक्की गारंटी, भाई होमगार्ड जवानों को गारंटी आज तक क्यों नहीं दी, तो हम तो ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि होमगार्ड जवान पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी, उनको बेवकूफ ना समझे, मैंने 14 साल कोर्ट में काम किया है, मैं कानून का जानकार, दूसरा मेरा लगभग 15 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, 3 साल के लिए लिखा था आपने 15 साल कैसे ड्यूटी करवाएगी इनकी, या तो इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल बंद कर दो, होमगार्ड जो डिपार्टमेंट है इनको, हाँ जी इनको खत्म कर दो, अब जो बच्चे तो भर्ती होंगे उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। मेरा जो खर्चा चल रहा है मैं खुद कमाती हूँ और मेरे बच्चे की तो पूरी जिंदगी बाकी है, अभी उसका परवरिश है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी नौकरी ना छीनी जाए। चेहरे पर इनके दर्द दिख रहा है, हाथ में जो बच्चा है इसको लेकर ये ड्यूटी पर जाते हैं, 1.5 महीने से बीमार है लेकिन एक भी छुट्टी नहीं मिलती है, सिर्फ की 1 दिन की हाजिरी ना कट जाए, 1 दिन की हाजिरी ना कट जाए इसलिए ड्यूटी जाती हूँ। तो फिर इसका इलाज कैसे कराती, दिखाती कैसे? हॉस्पिटल सुबह गई 10 बजे ड्यूटी पे, 10-11 बजे दिखाओ और फिर थाने पहुँच जाओ, इसका मेरा ले जाने लाने के चक्कर में मैं इसकी ढंग से परवरिश भी नहीं कर पा रही हूँ, ना इसका खाना पीना हो पाता है, ना इसकी देखभाल मैं कर पा रही हूँ, ये 1.5 साल का 2 साल का होने वाला है लेकिन आज भी लगता है 7-8 महीने का बच्चा है, या तो नौकरी कर ले या हम अपने बच्चे पाल लें।
इसमें भी कई कितनी मछली काटते, अगर हॉस्पिटल भी जाना है तो परमिशन लो सर, एक दिन की रिलीफ दे दो। थाने वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आमद कर दो, हमारी हाजिरी लगा दो, एक एक दिन की हाजिरी कट जाती है, इतना दुख होता है। सैलरी कम आएगी तो फिर खर्चा कैसे चलेगा। बच्चा बीमार होता है बावजूद उसके इलाज के लिए इन्हें छुट्टी नहीं दी जाती और ये अपनी हालात बता रहे हैं, और अब इनके साथ एक ही झटके में इन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। और इसलिए सरकार से ये कह रहे हैं कि इन्हें इनकी ड्यूटी की सीमा बढ़ा दी जाए, जैसे बाकी सरकारी कर्मचारियों की सीमा तय है 60 साल तक वो नौकरी करते हैं, उसके बाद सम्मानपूर्ण विदाई लेते हैं, वैसे इनके साथ भी की जाए। एक झटके में एक कानून लाकर, एक कानून के तहत एक झटके में इन्हें बेरोजगार ना की जाए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से ही आया है कि इन्हें ये आइडिया दिए जा रहे हैं कि आप रेड़ी पटरी लगा लो, जाके समोसे बेच लो, चाय और पकौड़ी बेच लो, ये इन्हें बताया जा रहा है कि नौकरी छोड़कर आप रेड़ी पटरी लगा लो। तो एक बार प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद अब अधिकारी इन्हें सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करो। इन पूरी वहाँ एक चीज कहना चाहेंगे, केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनकी बात नहीं मानती, हम होमगार्ड लोग उनकी बात मान रहे तो वो हमारी नौकरी की सुरक्षा नहीं कर रहे। अगर वो हम होमगार्ड को नहीं संभाल सकते तो केंद्र सरकार के अंदर दे दिया जाए। केंद्र सरकार, जब दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अंदर है तो हम भी तो हम दिल्ली पुलिस का हिस्सा ही तो है, उनके नीचे ही तो काम कर रहे हैं, तो हमारे होमगार्ड का डिपार्टमेंट भी केंद्र सरकार को दे दिया जाए। जब केजरीवाल से नहीं संभाला जा रहा, वो हमें बेरोजगार कर देंगे, इससे अच्छा तो केंद्र के हाथ में रहेगा, वहाँ से तो नौकरी बची रहेगी हमारी। तुम दोनों के बीच में हम लोग तो फंस रहे हैं ना, कि केंद्र नहीं रख रहा या दिल्ली नहीं रख रही। आज स्थिति ऐसी है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के बीच बनती नहीं है, उसमें पिस रहा है, तो ये होमगार्ड पिस रहे हैं। दिल्ली सरकार जो है और एलजी के बीच की लड़ाई जो है वो आपको पता है, और उनमें ये होमगार्ड पूरी तरीके से पिस रहे हैं, इनकी सुरक्षा की कोई बात नहीं कर रहा और सिर्फ अपने वोट की राजनीति करे जा रही है हर सरकार। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।